स्वर्ण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत है। जैसलमेर में एंटर करने जा रहे हैं हम। सब कुछ पीला ही पीला दिखाई दे रहा है, सोने जैसा दिखाई दे रहा है सब। गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। ये देखो पीली बिल्डिंग है, सब कुछ येलो। वैसे भी जैसलमेर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर है, लेकिन ये वार मेमोरियल वगैरह आगे जैसलमेर वार म्यूजियम, ये सारा मिलिट्री एरिया चल रहा है। ये देखना जैसलमेर वार म्यूजियम ओपन टू ऑल है, कोई भी विजिट कर सकता है। तो इसकी विजिट भी करेंगे बाद में, कभी शाम को या मौसम के हिसाब को देखते हुए। ये देखिए अपना क्या बात है, ये हमारे वीर जो फोटो लगे हैं, शायद ऐसा कारगिल में भी है वार मेमोर अर्जुन द्वार जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन। अर्जुन द्वार आ गया है, मिलिट्री स्टेशन अर्जुन द्वार। बैटल एक्स उत्तरी के बैटल एक्स कोलाड़ी, सेम है जगह का नाम, आज तक सेम ड्यून्स जगह का नाम नहीं, सेम वहाँ जो जगह उसका नाम, जगह का नाम यानी लगभग जैसलमेर से 35-40 किलोमीटर आगे वो रेत के धोरे। चलो कल वहीं रुकेंगे, आज जैसलमेर रेस्ट करते हैं, दो तीन रेस्टोरेंट देखे उनमें से एक फाइनल करके, रिसोर्ट या होटल तो अब सीजन है तो आराम से मिल जाएंगे अभी अपने को ना। हाँ अच्छे मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, ऑफ सीजन है, अच्छी पूल वगैरह की भी फैसिलिटी है वहाँ पर, उसके बारे में वहाँ जाके बताएंगे। बाकी बने रही आप हमारे साथ, बने रही डीजे जितेंद्र के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी पवन चक्की मतलब विंड मिल्स, हाँ ये देखिए, हाँ इनको चक्की की तरह चला देती है। हाँ चक्की की तरह चला देती है जी, ये हवा से चलती है, हवा से चलती है, हाँ जी हवा से चलते हैं इसलिए पवन चक्की इनका। ठीक फरमाया आपने, अभी यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया आ गया, आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं दिखाता हूँ थोड़ा इसको। रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब 50 किलोमीटर के ऊपर कोई ना कोई टोल है, लगभग 65-75 रुपये टोल है, तो ट्रैफिक है नहीं, वन वे है, इसलिए आपको नॉर्मली 80-100 की एवरेज आ जाती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बीकानेर से हमें लगभग 5 घंटे ही लगे हैं, यह आएगा सर्वत्र द्वार मिलिट्री स्टेशन का। जैसलमेर हम पहुंच गए हैं, ये देखिए देखो ये घर है, ये दुकान है, ये तो दुकान है, ये गंदर डिजाइन बना रखे हैं, सुंदर लग रहे हैं सभी डिजाइन एक जैसे हैं, पीले पत्थर से बने हुए, पीले पत्थर का फ्रंट है, और ये पहाड़ के ऊपर भी कॉलोनी बना रखी है। आखिरकार हम जैसलमेर पहुंच ही गए हैं और काफी एक्साइटेड हो गए हैं डॉक्टर संदीप, डॉक्टर गौरव भी, और काफी अच्छा लग रहा है कि टूर अच्छा रहेगा। ये जैसलमेर रिजोर्ट में पहुंच गए हैं, तो साथियों हम पहुंच चुके हैं द गोल्डन सिटी जैसलमेर, और ये है द जैसलमेर रिजोर्ट, काफ़ी अच्छा है, देखिए लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। डॉक्टर गौरव मुंजाल जी पूरे एक्साइटेड हैं, यहाँ पर चेक इन कर लिया है, और अभी आपको होटल रूम्स रिजोर्ट रूम्स हैं
वो दिखाते हैं। शाम को हमारा स्विमिंग पूल का प्लान है। ओके हाँ पूरा एंजॉय होने वाला है। ठीक है, ये देखिए रिसेप्शन एरिया है रिजोर्ट का, और अभी फिर आपको पूरा हेरिटेज लुक है। और ये डॉक्टर संदीप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं रात को स्विमिंग पूल साइड एंजॉय करने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं रिजोर्ट रूम में। ये हमारा रूम नंबर 135। रूम नंबर 135। ये रूम में एंटर हो गए हम। काफी अच्छा रूम है, विंडो हेरिटेज लुक, पूरी शाही फीलिंग ले रहे हैं डॉक्टर गौरव। ये देखिए पूरा हेरिटेज लुक है बेड, और पूरा व्यू देखिए रूम का, काफी एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। और ये अभी देखिए यहाँ काफी अच्छी सीटिंग की भी व्यवस्था है। देखिए सब कुछ गोल्डन ही गोल्डन, पीला ही पीला है सब कुछ। जैसी भी पीली सारे, काफी अच्छा लुक है। हर घर ऐसे दिख रहा है जैसे गोल्डन हवेली है, गोल्डन कलर। अब हम लोग पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली जा रहे हैं हम। और गूगल लगा लिया था। हाँ अच्छा, गूगल ने गलियों में घुसा दिया। तो किसी तो लोकल गूगल से पूछ के आए हैं। लोकल गूगल से पूछ के अब मेन रोड पकड़ के और चौड़े रास्ते से वहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो गूगल ने फंसा दिया था गलियों में। अब देखते हैं। एक सर्कल बताया है? हाँ, और वो क्या था गड़ी सर, हनुमान गड़ी सर लेक उधर, वहाँ से हम साइड से निकल जाएंगे राइट में और फिर पटुओं की हवेली पहुँचते हैं। और ये आगे देव की निवास पैलेस, देव की निवास पैलेस। ये होटल है वैसे भी, पैलेस नहीं है। ये सर्कल है, इस सर्कल से उन्होंने कहा था कि भी बार की बार मुड़ गए कहीं नहीं आप फंसोगे उसमें। तो आगे रामनिवास पार्किंग आएगी। सो डॉक्टर गौरव मंजाल ने रास्ता ढूंढ लिया है पटो की हवेली का। अभी आपको लेकर चलते हैं पटो की हवेली। आएगा हनुमान चौराहा, हनुमान चौराहा आएगा अपने पटवा। ये हनुमान चौराहे से और फिर राइट में लेना है, ऐसा ही डॉक्टर गौरव? हाँ जी सर, सीधा यहाँ से राइट। हाँ, कोई खुशबू आई है ना सर आपको? है किसी पकवान टाइप की? खाने की? हाँ, पकवान टाइप की आई है कोई, ऐसा कुछ स्पेशल सी खाने की आती है भूखे आदमी को ना? भूखे आदमी को नहीं आती, कुछ अलग आई है टेस्ट की। अब सीधा 550 मीटर बिल्कुल सीधा चलने दो। रास्ता बताते हुए पटो की हवेली का जल्दी पूरा घुमा दिया, पूरा जाएंगे। हाँ, गूगल ने तो हमें गलियों में घुसा दिया था, लेकिन हम बसते बचाते लोकल गूगल से पता करते करते और अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ते हुए। हाँ ठीक फरमाया डॉक्टर संदीप ने, जल्दी रास्ता लंबा तो था लेकिन जल्दी पहुंच गए, पहुंच जाएंगे शायद हम पटों की हवेली। उम्मीद है वो दिख रही हुई होनी चाहिए। हाँ, सारी बिल्डिंग दिख रही है। हाँ, सारी बिल्डिंग हेरिटेज लुक में है। ये देखिए ये यहाँ से चलिए आगे। अब सर अब सीधा सीधा इस साइड, इस साइड, हाँ, इस साइड, और फिर लेफ्ट 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 आगे, हाँ आगे जाके राइट, सॉरी राइट 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 सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए वो लगा हुआ है पटवा वैली। हाँ, राइट राइट, आपकी बार बोर्ड दिखाई दे गया है डॉक्टर संदीप, काफी खुश हुए हैं।
ऊपर बोर्ड देखकर ना पहुंच गए देखो गाने देखो चलिए चलिए हाँ 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 देखिए ये आ गया है कटवा के वेले कटवा वेले जाना पार्किंग सारी कहाँ पे पार्किंग करनी कटवा हॉली के पास वही हो जाएगा 30 रुपये बताया सर मैं तो वो तो 30 रुपये बता रहे जो जहाँ रुके हुए होटल में वो 30 रुपये पार्किंग होती है इसको 60 लिखा हुआ अच्छा कितनी दूर है यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से 400 मीटर 400 मीटर गाड़ी चले जाएंगे वहाँ तक चलो अच्छा 400 मीटर और अगर यहाँ खड़ी करें तो पैदल चलना पड़ेगा ये तो नहीं है नाथ मतलब हिली है तो फिर ये नहीं नहीं चलते रहो सीधा आगे चलिए नहीं नहीं आगे 400 मीटर पे आएगी अरे सीधा चलो ये भी नाथ मल चलिए आगे हाँ ये नाथ मल हवेली अलग है पट्टों की हवेली अभी आगे आएगी आप चलते रहिए सीधे अपोजिट छोरा पाड़ा कुछ भी लेना देखिए मार्केट ये इस साइड ही दिखा रहा है इस तरफ यहाँ से बताइए लेफ्ट या राइट पूछना एक बार पूछना तो वैसे तो इधर दिखा रहा है लेफ्ट हाँ लेफ्ट चलिए लेफ्ट ही लग रहा है इधर पूछ लीजिए बेटा ये पटवा वैली इधर है पटवा 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 वैली ये नथमन वैली पटवा किधर है पटवा वैली कहाँ गाड़ी नहीं जाएगी गाड़ी तो पटवा वैली तक जाएगी अरे ये पार्किंग यार वो रही देखो पटवा वैली इधर गाड़ी जावे को चलिए ये और ठूस देंगे कि है ये यही कह रहा था ना 400 मीटर लो जी अब हम पार्किंग में गाड़ी लगाकर पटवा हवेली की तरफ जा रहे हैं यहाँ देखिए पैदल पैदल हाँ पैदल रास्ते से ये देखिए यहाँ पर लकड़ी है ये नहीं ये पत्थर पत्थर का काम है पत्थर का काम है ये देखिए छोटे छोटे है सुंदर अच्छी कारीगरी है देखो और हाथी देखो ऊपर तक देखिए आप काफी अच्छी कारीगरी है जोधपुर से तो बहुत अच्छा लगा द गोल्डन सिटी नमस्ते जैसल ये बस हम आ गए हैं गाइड वगैरह ले लो अच्छा से समझाएगा आपको और रुपए लेता है ठीक है बम्बू है इनका सामने देखो हवेली का जो स्पेशलिटी है पत्थर के ऊपर नक्काशी का काम है लुक लाइक ए वुड बट नॉट आर द वुड येलो सैंड स्टोन इज द वर्क ये जितना भी डिजाइन है अगर आपने राजस्थानी ज्वेलरी में लेडीज को देखा हो कानों में नाक में गले में सिर में तो सब ज्वेलरी की डिजाइन में हवेली बना हुआ है सब येलो सैंड स्टोन है हवेली का मतलब बड़ा बिल्डिंग नॉर्मल जो घर होता है उसमें 2 से 3 या 3 से 4 कमरे होंगे हवेली के अंदर 20 से 25 कमरे होंगे हर कमरे में क्रॉसिंग वेंटिलेशन विंडो होगा
मिरर वर्क होगा, पेंटिंग होगा, सीक्रेट लॉकर होगा, ओपन कोर्टयार्ड होगा, टेरेस होगा, जितना ये हवेली ऊपर है उतना बेसमेंट नीचे है, नीचे है, बिल्कुल अंडरग्राउंड है। किसका हवेली था ये? पटवा का हवेली। पटवा कोई जाति नहीं था। अच्छा। पटवा इज नोटेड एनी कास्ट। पटवा राजधानी ने उपाधि दिया है, टाइटल दिया है। उपाधि क्यों दिया है? ये लोग पटवाई का काम करते थे, मोती पिरोना, जुताई बुआई बुआई का काम, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जरी और सोने चांदी की कुंदन वर्क की ज्वेलरी। राजा लोग रहते थे? नहीं नहीं, ये लोग व्यापारी थे, व्यापारी रहते थे और जैन लोग थे। जैन लोग, तो ये लोग सोने चांदी के धागों में मोती पिरोना और सोने चांदी की कुंदन वर्क की ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और पूरे एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। तो इन हवेलियों में जो डिजाइन है वो भी ज्वेलरी का है, इस कारण से बोलते हैं पटो की हवेली। और ये हवेली बनाने वाले थे गुमान चंद बाफना, तो उनके पांच लड़के हुए, पांचों लड़कों के लिए पांच हवेली बनाया, पांच घर बनाया। जैसे एक हवेली से चालू होता है फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, एक ही लाइन में ये पांच भाइयों का पांच हवेली है। अच्छा, ये हवेली पांच भाई थे ये? हाँ, और इनका अफीम का व्यापार था, जैसे में ट्रेडिंग सिल्क रूट था, तो ये लोग ट्रेडर्स थे, कैमल काफिले चलते थे उस जमाने में, पाकिस्तान अफगान चाइना तक ये लोग अफीम लेके जाते थे और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आते थे। उसी सोने चांदी की कुंदन वर्क का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और पूरे एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। और 60 साल लगे थे एक हवेली को, 12 साल, पांच को 60 साल, तो इनका दो पीढ़ी चला गया। जिसने काम चालू कराया उसके ग्रांड सन, दादा का सपना पोते ने पूरा किया, प्रताप चंद बाफना ने। अब इन पाँच हवेलियों में फर्स्ट वाला बिल्डिंग जैसलमेर की लोकल कोठारी ने 1954 में 60,000 रुपये में कटवा फैमिली से खरीद लिया। पटवा ने बेचा, कोठारी ने खरीदा, इसका हो गया कोठारी पटवा वाली। उसके बाद में तीसरे चौथे में कौन से साल में बताया? 1954 में 60,000। उसके बाद में तीसरे चौथे में आज भी पटवा सेठ लोगों का सातवां पीढ़ी निवास कर रहा है कि उन्होंने ये हवेली बनाया। दूसरा और पांचवा, जब 1972 में यहाँ बजाज कंपनी आया, जमुनादास बजाज, राहुल बजाज, तो बजाज ने दो हवेली 1,60,000 रुपये में खरीद ली। खरीदने के बाद बजाज के साथ उसका अकाउंटेंट था, उसने क्या किया, इन हवेलियों का एफिडेविट अपने नाम करवा दिया, पैसा कंपनी का था। तो अकाउंटेंट ने बोला अपने दो बिल्डिंग्स लिए, एफिडेविट मेरे नाम, एक मुझे दे दो, एक आप रख लो। बजाज वाला नहीं माना, दोनों में झगड़ा हो गया, वो केस चला गया कोर्ट में। तो 1972 से 74 दो ढाई साल केस चला। जब 74 में पोखरण में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, वो पोखरण तक आ चुकी थी। जैसलमेर पिछड़ा हुआ था, गांव था, बैकवर्ड इलाका था, डेजर्ट था, अकाल पड़ा हुआ था, और आज भी बैकवर्ड है। न तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छा एजुकेशन है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ना ही अच्छे यहाँ भी डॉक्टर। तब इंदिरा गांधी ने देखा जैसलमेर विजिट किया जाए। जैसे वो जैसलमेर देखने आई, उन्होंने अंदर बाहर ये हवेली का आर्किटेक्चर देखा, देखते ही वो अचंभित हो गए। किसी लाइजन ऑफिसर ने इंदिरा गांधी जी को विजिट करवाया, बोला जितना भी ये कार्विंग है सब इंटरलॉकिंग है, फोल्डिंग सिस्टम है, सीमेंट वगैरह नहीं लगा हुआ है। बजाज और अकाउंटेंट आपस में लड़ रहे हैं, फर्स्ट वाला हवेली ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है, अगर दोनों में से कोई भी केस जीत गया तो इन हवेलियों को होटल में कन्वर्ट कर सकता है, और ये कार्विंग काल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट और फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकता है। तब इंदिरा गांधी जी ने कोर्ट से फाइल मंगवा के ASI को बुला के बजाज के अकाउंट में 2,00,000 रुपये डाल के दो हवेली परचेज करके 1961 सेक्शन 3 लगा के पाँचवा हवेलियों को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट घोषित कर दिया। नो बाय, नो सेल, नो ब्रॉक। जब फर्स्ट वाली हवेली गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी, तब जैसलमेर की लोकल कोठारी जी ने कोठारी पटवा फैमिली दोनों का ट्रस्ट बना के हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी, तो मैंने अपने लिए पर्सनल थोड़ी लिया है, देसी विदेशी पर्यटक अंदर से विजिट कर सके, मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल पैड हूँ, जो मेरे वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, टिकट काउंटर वाला, टिकट चेक करने वाला, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, ये पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी। जब ये हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था, अनाज के बदले काम। तीन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो तीन साइड के थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर ये पूरा वर्क किया है। इसमें मुगल और हिंदू शैली दर्शाई गई है, पीकॉक को डांस करते दिखाया है, ये इंडिया का नेशनल बर्ड्स है और डेजर्ट एरिया का भी। अगर अब अंदर से देखना हो तो पटवा सेठ लोगों का लाइफ स्टाइल है, सोने चांदी का फर्नीचर है, सीक्रेट लॉकर है, मिरर वर्क है, पेंटिंग है, ओपन कोर्टयार्ड है, टेरेस व्यू है, हवेली का आर्किटेक्चर है, तो वहाँ से टिकट ले लेता। दो माला नीचे, तो ये लोग अफीम सोने चांदी के व्यापार थे, ये लोग जैनी थे, बाफना हर अंग्रेज उनका कुछ नहीं, जैन मंदिर होता था, पूजा पाठ के लिए होता था।
और दर्शकों को अपना शादी होता था कि पालकी ऊंट हाथी घोड़े इस पैटर्न में इनका शादी होता था। अच्छा, ये तो जैसे राजाओं की होती थी ऐसी ही वो। हाँ, ये राजाओं से कम नहीं थे, राजाओं के बैंकर्स थे वो। देखा हमने, काला है उधर से, उधर उधर कर दो, देखो आदमी वहाँ से भी काला ही है, ऐसी नींद थोड़ी काली है आदमी। अरे साहब।